बीजेपी मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, लेकिन नीमच में इस यात्रा पर पथराव हो गया। जी हाँ, और इस पथराव के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर हैं। मध्य प्रदेश में अब नया सियासी बवाल खड़ा हो गया है। नीमच में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव हो गया, जमकर हंगामा मचा। खबरों के मुताबिक नीमच से शुरू हुई जन आशीर्वाद यात्रा जब मनासा विधानसभा के गांव रावली गुड़ी पहुंची तो यहां कुछ लोगों ने गाड़ी पर हमला बोल दिया। गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई। बीजेपी का आरोप है कि इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। अभी मुझे जानकारी मिली है कि मनासा विधानसभा के अंदर जो रावड़ी कुड़ी एक स्थान है, वहां पहाड़ियों में और पेड़ों के पीछे छिप करके जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा पर कांग्रेसी गुंडों ने जो हमला किया है, ये केवल दुर्भाग्यजनक नहीं, केवल आलोचना करने लायक नहीं, ये गंभीर अपराध किया है। वहीं कांग्रेस नेता और एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बीजेपी पर निशाना साधा। कमलनाथ ने लिखा कि समाज के हर वर्ग का उत्पीड़न करने के बाद भी शिवराज सरकार को लगता है कि जनता उन पर पत्थर नहीं फूल बरसाएगी। दलित, आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, महिला और सर्व समाज शिवराज सरकार के अत्याचार, घोटाले और कमीशन राज से त्रस्त है। इन्होंने 18 साल के शासन में जनता को जो दिया है, जनता उसी को ब्याज के साथ लौटाने को तत्पर है। जानकारी के मुताबिक इस घटना में कुछ गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, कुछ लोग घायल भी हुए हैं और अब इस पत्थरबाजी पर सियासी दंगल भी शुरू हो गया है।